और नैनबाग में अर्जुला क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह का समापन हुआ। समापन के मौके पर विजेताओं को पुरस्कार से नवाजा गया। कबड्डी में प्रथम अबरूफ जौनसार और वॉलीबॉल में शंकर क्लब जौनसार देहरादून विजय रही। रस्साकशी में प्रथम कूना जौनसार और द्वितीय सड़ब रहा। 100 मीटर दौड़ में ऋतिक परोगी प्रथम, समीर बड़गांव द्वितीय, शीशांत बेल तृतीय रहे। बालिकाओं में प्रथम मुस्कान टकारना द्वितीय, दीपिका छोटी रहीं तृतीय, तनीषा चौहान भूटगांव रहीं। 1000 मीटर दौड़ में धीरज रावत कांडी प्रथम आए, गौरव कैंटी द्वितीय, साबिन रावत मोगी तृतीय स्थान पर रहे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर धीरज रावत आए, द्वितीय स्थान पर राहुल बिजलवाण और तीसरे स्थान पर गंभीर सजवान परोगी। प्रतिवर्ष लगभग 24 वर्षों से ये निरंतर यहाँ पर करते आ रहे हैं और बहुत ही सफल आयोजन इनका हर वर्ष होता है, खेलकूद हो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। यहाँ से तमाम जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेलकूद की हैं चाहे वो अन्य क्षेत्र में हैं, इनको ये अवसर देते हैं और निश्चित तौर पर आगे उनको बढ़ने का मौका मिलता है, बड़े बड़े अवसर मिलते हैं। तो ये इस तरह का जो आयोजन है इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको विकास जो विकास क्षेत्र का है उसमें भी सहयोग प्रदान होता है। जो 3 दिनों से हमारा कार्यक्रम था ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। मैं समस्त अर्जुला क्रीड़ा समिति के सदस्यों को, समिति के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप कड़ी मेहनत से कार्यक्रम आपने सफल बनाया, सभी बधाई के पात्र हैं। और जो हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि लोग आए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार हमारे क्षेत्र की मेन मांगे थी उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि मांगे जल्दी पूरी होगी। इस खेल मंच के माध्यम से हमारे क्षेत्र का बहुत ही विकास हुआ है। हमारे जो ये खेल कूद हुए हैं इसमें करीबन सीनियर कबड्डी की 25 या 30 टीमें जौनसार से, विकास नगर से, इधर आपके उत्तर जिला उत्तरकाशी से, हमारे टिहरी जौनपुर से टीमें आई थी। रस्साकशी हो गया है, कबड्डी वॉलीबॉल, तो ये क्षेत्र में ये चीज़ें होनी चाहिए। इससे पूरे हमारे जितने भी नवयुवक साथी हैं इनके हर्ष उल्लास के साथ, जैसे माताएं बहनें, हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है।